अच्छी स्कीमें हैं दोनों, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों के लिए पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन पूरी तैयारी नहीं की गई जिसकी वजह से इन इक्वलिटी हो गई। क्योंकि अगर हम देखें जो जिनके पास ब्रॉडबैंड है, जिन स्टूडेंट्स के पास ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है जहां लगी, और मुझे लगता है कुछ परसेंटेज ही वाईफाई होगी, लगभग गांव में अगर हम देखें रूरल एरिया में तो ना ब्रॉडबैंड की सुविधा है ना ही स्मार्टफोन की सुविधा है इतनी ज्यादा। कुछ परसेंटेज हो सकती है, 2-4%, 5% हो सकती है गांव में, लेकिन ये सुविधा नहीं होने की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस जो है अटेंड नहीं कर सकते हैं, इनका फायदा नहीं ले सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीमें स्टार्ट की। इसी तरह से डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने भी अपने डाइट्स को ये हिदायत दी है, डाइट्स जो हैं, जो ये अपने इंस्टीट्यूशन हैं जो कि देखभाल करते हैं स्कूल एजुकेशन का, उनको हिदायत दे रखी है कि आप टेक्स्ट बुक मटीरियल भेजें, वीडियो भेजें बच्चों को, और ऑन स्पॉट जो है उनको बुक्स भी दे दें। तो मुझे लगता ही नहीं कि 100% बच्चों को फायदा हुआ होगा। कुछ बच्चों को हुआ होगा, मैं कह सकता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए जो डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने जो डायरेक्शन दी है उसमें कुछ लोगों को फायदा हुआ है, कुछ लोग टीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन से। लेकिन अगर हम देखें कि सभी स्कूलिंग बच्चे जो हैं स्कूल वाले जो रूरल एरिया के, उनको ये फायदा नहीं हो रहा है, ना ही उनके पास स्मार्टफोन है, ना ही गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके पास सुविधा नहीं होने की वजह से सारा हुआ है। और दूसरा मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं आप, तो इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर्स, ये बहुत कॉस्टली है। ऑनलाइन क्लासेस कोई इतना सस्ता नहीं है। अगर आपने एक कंप्यूटर रखना है, ब्रॉडबैंड लेना है, आपने वाईफाई लेना है, फिर आपने स्मार्टफोन लेना रखना है, और ये सारी चीजें जो है इंटरनेट सर्विसेज की मिलनी है, लेनी है, तो ये जो लो इनकम ग्रुप के हैं बच्चे वो नहीं ले सकते हैं, उनको तैयारी नहीं की गई दी गई। और मैं चाहता हूं यहां मैं कहना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है अगले 2-3 महीने में, लगता नहीं कि हमें जो है स्कूल बच्चे जा पाएंगे, खासकर 3 महीने तक हमें कहना चाहूंगा, जहां तक मेरा अपना विचार है कि अगले 3 महीने तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो अगले 3 या 4 महीने तक हम इनको ऑनलाइन हमने सुविधा देनी है। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि कम से कम ऑनलाइन सुविधा देने के लिए कम से कम आप बच्चों को जो स्कूल 6 से लेकर 12 तक जो बच्चे हैं उसमें, खासकर जो 12th का बोर्ड है, 10th का बोर्ड है, उन्होंने एग्जाम देने हैं, जो बाकी बच्चे हैं उनको फ्री इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए, और स्मार्टफोन उनको लगभग एक एक को स्मार्टफोन लेके देना चाहिए पहले। अभी भी समय है, अभी भी हम दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है, अगर इतने डिवेल